करता हूं कि आप सारे कॉलम निगारी की तरफ लग गए हैं, क्योंकि सुबह आपका कॉलम छपता है, शाम तक आपको 20 कॉलें आ जाती हैं, तो अब आप वो जो लिटरेचर पैशन वाला था वो गायब हो गया। मैं आपको एक ताजा गजल सुनाता हूं कि यूं तो मैं तन्हा था लेकिन एक लश्कर साथ था, हारता मैं किस तरह बख्ते सिकंदर साथ था, मुद्दतों के बाद उसने चंद लम्हे जो दिए, यूं लगा जैसे कि एक माह मुनव्वर साथ था, इस कदर उसको मोहब्बत है तेरे बीमार से, वो अयादत को भी जो आया तो खंजर साथ था, और इस तरह महफूज था मैं आफतों के दरमिया, एक समंदर सामने था एक समंदर साथ था, एक समंदर सामने था एक समंदर साथ था, और पानियों में डूब कर भी हम किनारे पर रहे, उसकी किस्मत साथ थी मेरा मुकद्दर साथ था, और जल गया सारा बदन एक पांव उसने क्या छुए, शुक्र मैं बहका नहीं उस रोज सफदर साथ था। वाह वाह, एक बिल्कुल ताजा गजल के दो शेर सिर्फ सुनिए कि मोहब्बत ही मोहब्बत है कहीं नफरत नहीं मुझमें, जो इज्जत उसको है दरकार वो इज्जत नहीं मुझमें, और मेरी नाकामियों का मुझको ये बायस नजर आया किसी की बेवजह तारीफ की आदत नहीं मुझमें। अच्छा वाह, शेर से हटकर एक रवैया भी तो है, इस रवैये पे कभी रिग्रेट नहीं हुआ आपको? क्योंकि आपके बहुत सारे अशआर इस तरफ इशारा करते हैं, जैसे एक शेर जो मेरे पास है उसमें भी कुछ इसी तरफ इशारा है, सफदर मेरी रगों में लहू करबला का है, बायत यजीद वक्त की करना महाल है। मेरा इसी किस्म का एक शेर है, अक्सर मेरी अलिया का कहती है नवारा के शब्द वो लिखा करो जो छप जाए, ये तो छापने वाला भी मुश्किल में रहता है, कि सफदर में चल सका ना जमाने के साथ साथ, मतलब मेरी नाकामी टोटल ये है कि मैं अगेंस्ट द विंड चलने वाला आदमी हूँ। अब तो सैयदादी ये भी घर में कहती है कि यार बच्ची जवान हो गई हुई है, रिश्ता आना है उसका, ऐसे आदमी से दूर भागते हैं लोग, तो इस सच के अलम को थोड़ी देर के लिए लपेट के रख दो। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्या 57 बरस की जिंदगी को निगेट कर दो। तकलीफ देते हैं ये रवैये बाज़ औक़ात बड़े शदीद, के हम वो चीजें जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारी असास थी, वो अब घरों के लिए खानदानों के लिए एक हैबत बन गए हुए हैं। मेरे घर की लाइब्रेरी मुझे इतना सुकून देती है, अक्सर औकात में अपनी लाइब्रेरी में सोता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे ऐसी बीवी मिली जिसने मुझे बहुत बड़ा बेडरूम बना के देने की बजाय एक लाइब्रेरी बना के दी। मेरे बच्चे मुझे सालगिरह पे किताब देते हैं तोहफे में, मेरा बहुत वक्त मेरी लाइब्रेरी में गुजरता है, और आप यकीन कीजिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुजूर की हदीस है कि बंद किताबें अपने मकीनों के लिए बद्दुआ किया करती हैं, ये आम किताबों के लिए है, और हमने जिस तरह से कुरान को ताक में रखा हुआ है वो किताबुल्लाह क्या बद्दुआ करती होगी। हमने अपना रिश्ता जो है सांस की चीजों से तोड़ लिया हुआ है, बड़ी वक्ती मुसरतों के लिए बहुत लम्हाती। देखिए जिंदगी दुनिया से कट के नहीं है, यही इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि रहबानियत की तरफ नहीं लेके गया, आपको इस दुनिया में यहां की तमाम तर आलाइशों के साथ रखा है, और यही इम्तिहान है इंसान का, और इंसानों की बहुत बड़ी तादाद कामयाब हुई है इस इम्तिहान। क्या क्या शर्त है इसका आजमाइश में कामयाबी के लिए? मेरा ख्याल है ये जो 2.5 घंटे की नींद है ये बड़ी पुरसकून नींद है। मैं बताऊं आपको, आपको शायद हैरानगी होगी, अपने वालिद मोहतरम से लेकर और अपने बच्चों तक, देखिए मेरी बेटी है जहरा PhD माशाल्लाह शुरू कर रही है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, बेटा है मोहम्मद यूनिवर्सिटी में बैंकिंग की तरफ जा रहा है, मैंने जरा रेडियो की तरफ आने से इसलिए रोका है उन्हें कि एक और जहद भी खानदान में शामिल होनी चाहिए, सारे ही ब्रॉडकास्टर नहीं होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मैंने जिंदगी में कहीं भी मेरे पास रिग्रेट नहीं है, और शायद मैं कभी आपको वेरवा करके बताऊं अपनी जिंदगी का, कोई एक ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो पूरी ना हुई, एक ख्वाहिश नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं रियली मैंने जो तलब किया है मुझे वो मिला है, हालांकि मेरी तलब छोटी हो, मैं मतलब करोड़ का मैंने आज तक मांगा ही नहीं, मेरे पास आई नहीं, मेरे पास 5 मरले जमीन ना बरतानिया में है ना पाकिस्तान में, लेकिन वो जो 3 गज वाली जमीन है उसका मुझे यकीन है
मैं मछली के पेट में नहीं जाऊंगा। मैं लोगों को अक्सर कहता हूं, और ये मेरा यकीन है अपनी जात के साथ, मैं कभी भी हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा, मेरे दिल में है ही कुछ नहीं। पता नहीं किस किस्म का अकर्ब, अकर्ब की तो अभी मैं आपके ये सुन रहा था, जिसे मैं हॉरोस्कोप कहता हूँ, हॉरोस्कोप की बजाय अकर्ब की तो पहली निशानी है वो सिक्रेटिव होता है, वो तो अपनी जात किसी पे बयान ही नहीं करता। मैं तो मेरे ख्याल है पिछले 20-25 मिनट में अपनी जात का कोई पहलू मख्फी नहीं रख सका। और मुझे जब कभी कोई शख्स कहता है कि नानी साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो मैं कहता हूँ 15 मिनट के बाद देखूंगा तुम्हें कि खुशी हुई कि नहीं। पता नहीं, मैं इंसान को खुश नहीं कर सकता, मेरे में ये खूबी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। मैं उन लोगों में से हूँ, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं आप कसरे नफसी से काम लेते हैं, मैं कतन नहीं, मैं तो उस चीज का कायल हूँ कि परवरदिगार आलम ने जो खूबियां मुझे दी हैं, मैं उसका भी उतना ही खुल के इजहार करता हूँ जो खामियां मेरे में, क्योंकि खामियां शायद मेरी अपनी पैदा करते हैं, वो परवरदिगार की दी हुई नहीं है, लेकिन खूबियां जो उसने दी हैं उसका मैं बड़ा खुल के इजहार करता हूँ, जैसे कलम है। सही, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस नशिस्त में हम मरसिया निगारी पे कुछ बात कर सकते, कुछ अदब पे, करबला का जो इस्तारा है, करबला के जो वाकया है, उसने हमारे अदब को जिस तरह से मुतासिर किया, कुछ जोश अनीस दबीर के बारे में गुफ्तगू करते, लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर और वक्त खत्म हो गया है हमारी आपसे मुलाकात का, हमेशा यही प्रॉब्लम रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह से अपने बारे में मुतमईन और पुरसुकून रखे, क्योंकि ये जो फीलिंग है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। अगर जाती तौर पर आपका शुक्रिया सिर्फ लफाजी के तौर पर नहीं, रिवायत के तौर पर नहीं, इसलिए अदा करूँ, मेरा ख्याल है मैं 20-22 बरस के बाद यहाँ लिसनर से और व्यूवर से एक बार फिर मिला हूँ, और इसका सारा क्रेडिट आपको जाना चाहिए। लेकिन ये वादा रहा कि इंशाल्लाह अगली मर्तबा आऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त आपको दे सकूंगा, क्योंकि मुझे शाम को मेरी फ्लाइट है, वरना ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारता। बहुत शुक्रिया, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, आगे चलेंगे, साथ रहिए।